दरभंगा के कंकाली मंदिर के पुजारी की गोली मारकर हत्या, एक बदमाश भी मारा गया, एक की हालत नाजुक। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ला स्थित ऐतिहासिक मंदिर कंकाली मंदिर परिसर में घुसकर बदमाशों ने मुख्य पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गुरुवार की सुबह 4:15 की बताई जा रही है। भाग रहे बदमाशों को जब स्थानीय लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो एक भक्त को बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। इससे स्थानीय लोग और उग्र हो गए, खदेड़ कर एक बदमाश की पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि दो बदमाशों को कार सहित दबोच लिया। हालांकि घटना के दौरान एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से एक पिस्तल बरामद की गई है। घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय पुलिस पर कई आरोप लगाए गए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक बाबूराम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए। काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। इसके बाद मुख्य पुजारी के सौजन से SSP ने स्वयं बात की। उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। SSP बाबूराम ने मीडिया को बताया कि बदमाशों की गोली से मंदिर के मुख्य पुजारी की मौत हो गई। मंदिर में पुजारी और उनका परिवार रहता था। 4 युवक लोग आया गाड़ी से और मंदिर में घुसकर पुजारी पे गोली चलाया, जिससे घटनास्थल पर उनकी डेथ हो गई। और ये कोई यहाँ पर और पूजा के लिए कोई थे युवक, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, उनको भी गोली लगी है, वो इलाजरत है पारस हॉस्पिटल में। ये पता चला है कि पुजारी के परिवार में ही ये जो 4 लड़के थे पुजारी के लड़के से, उनमें से किसी से इनकी रात में हत्या कुछ हुई थी मोबाइल फ़ोन को लेकर। हालांकि अभी बहुत विस्तार से नहीं पता है कि क्या मामला हुआ था रात में, शायद उसी के प्रतिशोध में ये लोग आया और आखिरी पुजारी जी पर गोली चला दी उन लोगों ने। इसमें से कुछ भीड़ ने कुछ लोगों को पकड़ लिया, 4 में से 3 लोगों को, और भीड़ ने इनके साथ कुछ मारपीट भी की, जिसमें एक व्यक्ति की ऑन स्पॉट डेथ हो गई और दो लोग इलाजरत हैं, हालांकि वो खतरे से बाहर लग रहे हैं। 14 आदमी जो फरार है उसकी गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर CCTV भी लगा हुआ है, उसकी फुटेज लेके भी अभी हम लोग और जाँच पड़ताल करेंगे। सर, पूजा का समय है, ऐसे में हर एक पूजा पंडाल मंदिर की सुरक्षा का जिम्मेवारी है, पुलिस की तैनात रहती है, तो क्या यहाँ पुलिस उसके बीच में घटना पुलिस रहती है? खासकर जब शाम के टाइम में भीड़ भाड़ होती है तब रहती है, लेकिन इतना पुलिस बल तो है नहीं कि हर मंदिर की सुरक्षा जो है 24 घंटे की जा सके। और ये इस तरह के अपराधियों से सुरक्षा जो है वो 1 या 2 पुलिस वाले के लिए भी काफ़ी कम पड़ेंगे, वो पर्याप्त नहीं होते हैं। और ये जो 4 युवक थे, इनका भी पता चल रहा है कि इस लोकेलिटी में इनका आना जाना था। इनमें से जो एक लड़की की डेथ हुई है उसके पिता यही यूनिवर्सिटी में किसी क्लर्क के पद पर हैं, और बाकी भी 3 जो लग रहा है स्थानीय ही हैं। तो यहाँ इस लोकेलिटी में लोगों का पहले से आना जाना रहा है, और पुजारी के बच्चों से या फिर इनके किसी और आस पड़ोस के लड़कों से इनका पहले से उठना बैठना जान पहचान था, जिसके कारण से विवाद भी हुआ है। हालांकि विस्तार से जानकारी में कुछ टाइम लगेगा, सारी डिटेल सामने आ जाएगी। ये कोई ऐसे प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थे जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रहा हो, या लूटपाट करते हों, या कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हों, ऐसा कुछ नहीं रहा है। ऐसे जो अपराधी होते हैं उन पर पुलिस की नज़र रहती है, उनके द्वारा घटना को पुलिस रोक सकती है, लेकिन जब आम आदमी आवेश में आके कोई ऐसी घटना कर देता है तो उसको पुलिस भी एंटिसिपेट नहीं कर सकती है। अगर यहाँ सुरक्षा होती भी तो उनको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये लड़के जो यहाँ इस कॉलोनी में जिनका आना जाना है तो कोई ऐसी घटना को अंजाम दे देंगे। तो ऐसी घटनाओं को एंटिसिपेट करना, इनका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इसमें से इस न्यूज़ के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कांजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।